नून एवरीबॉडी, आज मन की आप लोगों से बात करने का। फिजिकली तो हम लोग सब एक साथ ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं, स्कूल कैंपस पे नहीं आ पा रहे हैं, तो चलो एक यही मीडियम है बातचीत करने का। एक वर्ड है एजुकेटर, कौन होता है वो? एक सिंपल सी जब हम डेफिनेशन देते हैं तो एक एजुकेटर हम किसको बोलते हैं? एक टीचर जो पढ़ाता है ना। बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, बहुत सारी, कोई गुरु की डेफिनेशन देगा, कोई किसी की देगा, बट अगर हम अपने थ्रू कोर्स ऑफ आर हार्ट, अगर हमारा दिल अगर कोई डेफिनेशन बताता है कि दिल की गहराइयों से एक टीचर क्या होता है, एक एजुकेटर क्या होता है, एक सिंगल सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन उसका मीनिंग इतना वाइड हो जाता है ना कि अमेजिंग, मज़ा आ जाता है उसको पढ़ते हुए। क्या होता है एक एजुकेटर? एन एजुकेटर इज पेरेंट ऑफ मोर देन 30 चिल्ड्रन। हेयर इज द डिफरेंस, है ना। जो टीचर आजकल हम लेके चलते हैं कि को क्या है, जो आज सभी की नहीं कहेंगे बट मैक्सिमम के लिए क्या हो गया, टू अर्न मनी, टू पास टाइम, बट लेकिन जो रियल सेंस में टीचर होता है दैट इज पेरेंट ऑफ मोर देन 30 चिल्ड्रन, है ना। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, ज़्यादा क्लासेस का चार्ज आता जाता है, तो आप ऐड ऑन करते चले जाइए कि मिनिमम जो है 30 बच्चों के जो पेरेंट होते हैं दैट इज एन एजुकेटर। बस यहीं पर हमारी सोच सब टीचर्स की बदल जाती है कि हमें बच्चों को क्या देना है, उनको कैसे सिखाना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सुनना है, कैसे उनको टैकल करना है, उन लोगों को हमें मॉडिफाई कैसे करना है बच्चों को, और उन लोगों को कन्विंस कैसे करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो बस 24 आवर्स ब्रेन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आज से एक मेरे से नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को ये कहिए जब भी बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए बैठिए, वीडियो बनाने के लिए बैठिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बैठिए, किसी के बच्चे की पेरेंट्स से बात करने के लिए आप बैठिए, बच्चे से बात कीजिए जब, तो ये सोचिए कि आई एम हर और हिज पेरेंट, इज इट हिज और हर पेरेंट। मैंने मदर या फादर इसलिए यूज़ नहीं किया कि मेल फीमेल बोथ आर टीचिंग हियर, तो पेरेंट दैट इज काउंटेड फॉर बोथ, इज इट। तो यही डिफरेंस हो जाता है। आज सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में अगर देखा जाए तो बच्चे जा रहे हैं, है ना। वो कैसे जा रहे हैं? बड़ों के पास सोशल मीडिया है, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे वो झगड़ा कर सकते हैं, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। नहीं तो सबसे बढ़िया सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप स्टेटस हो जाते हैं, फेसबुक हो जाती है, ट्विटर हो जाता है, इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, वन वे और अदर वे हम निकाल देते हैं, है ना। लेकिन बच्चों के पास तो कोई भी सोर्स नहीं है। जितने हम लोगों से ज़्यादा बंधन में बच्चे हैं, बड़ों की मूवमेंट भी है, ऑफिस में जाना भी है, किन्हीं कुछ एक का रेगुलर है, कुछ एक का रेंडमली है ना, सभी का आना जाना है बाहर, वन वे और अदर वे वी ऑल आर मूविंग अप, लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं? दे आर बाउंडेड इन साइड द बाउंड्री वॉल्स। तो जैसे हम अपना बच्चा, उस बच्चे की जो जो समस्याएं हो सकती हैं, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग बन रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन उसकी किस तरह से निकाले, अपने दोस्तों से दूर, स्कूल कैंपस से दूर, अपने प्लेग्राउंड से दूर, अपनी वो और कुछ नहीं है, दिन में 10 चक्कर तो शॉप के लगा लेते हैं बच्चे, अब ये खाने का लेने जा रहे हैं, बट दे आर नाउ केप्ट इन साइड द बाउंड्री वॉल्स, है ना। तो जब भी उनसे आप पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में कुछ ना कुछ मोटिवेशनल भी आपका होना चाहिए, डेली नहीं पॉसिबल है तो इन बिटवीन वीकली, टू टाइम्स, ट्वाइस इन अ वीक कुछ मोटिवेशनल भी बच्चों को डालिए, जिससे कि उनकी एनर्जी बूस्टअप होती रहे। ये मान के चलिए चाहे हम कितना भी अपने आप को समझा लें या कह लें बच्चे, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनके लेवल तक जाके देखिए कि वो जो बच्चा कोई भी किसी का भी है, छोटी एज का है, बड़ी एज का है, जो कभी 20 आवर्स में से डे टाइम में वो कभी बंद के घर में नहीं रहता, स्कूल चले गए, दोपहर को घर आए, लंच किया नहीं किया, ड्रेस चेंज की नहीं की, घर से निकले, साइकिल उठा के फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया,
खींच के लाना पड़ता है उनको पढ़ाई करने के लिए भी, लेकिन आज तो वो बेचारे 24 आवर्स बाउंडेड हैं, है ना। तो उनको अपने बच्चों की तरह लीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, सुनिए, सॉर्ट आउट कीजिए। कैसे कि वो जो बात की स्टार्टिंग है कि एन एजुकेटर इज अ पेरेंट ऑफ मिनिमम 30 चिल्ड्रन, नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो मिनिमम 30 स्टूडेंट्स के आप पेरेंट हैं, चिल्ड्रन के पेरेंट हैं, और लकीली बहुत सी क्लासेस में तो 40+ भी हैं, है ना। आपको देखा है कभी बाहर गेम्स होती है ना, जो डीपीज जाते हैं अपने बच्चों को लेके स्कूल के, वहाँ ये नहीं कहते मेरी टीम, मेरे बच्चे करके ना वो इंटरफेयर करके वो लोग लंडे को हो जाते हैं, मरने मारने पर उतार हो जाते हैं कि मेरे बच्चों को ये क्या बोल दिया। वो स्पिरिट लेके आइए, एक बार अपने मन में वो चीज़ डाल दीजिए, इससे ज़्यादा ना समझाने की ज़रूरत होगी, ना आप लोगों को सुनने की ज़रूरत होगी, डिफरेंस अपने आप से आता चला जाएगा फॉर सेक ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ गुड डे। अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी बातें हम करेंगे, टिल देन गुड बाय।